ने सोचा है कि कल से रमजान है इसलिए जितना भी खाना है हम सब कुछ आज खा लेंगे। हेलो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ योर गर्ल अलीशु। सो मैं आज आपके साथ नया व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग में मैं आपके साथ चांदरात और रमज़ान, मेरा रमज़ान का पहला रोज़ा और उससे एक दिन पहले का व्लॉग भी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे एक दिन पहले का है तो रमज़ान शुरू होने वाले थे तो हमने सोचा चलो पहले जाके कुछ खा लेते हैं और मेरी तबीयत भी ख़राब है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ खाने का। हेलो गाइज़, हम लोगों ने सोचा है कि कल से रमज़ान है इसलिए जितना भी खाना है हम सब कुछ आज खा लेंगे। आज हम लोग भोपाल में बैठे हैं, हम लोग ऊपर भी पहले भी हम लोग ने अपने सैलून में भी सब कुछ खा लिया, अपना लंच खा लिया, अब हम लोग सब कुछ बाकी चिकन खाया हम लोगों ने और अब हम लोग फिर से खाने आए हैं। अब हम खाएंगे बर्गर, चाउमिन और देखो क्या क्या खाते हैं और कल से रमजान है इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह हम लोग पूरे रोजे रखेंगे और आपको चांद रात भी दिखाएंगे। हम लोग अपने सैलून में भी जाएंगे ऊपर चांद देखने। कितने बजे? 7 बजे दिख जाएगा। हाँ, हम लोग जा रहे हैं वापस अपने सैलून और आज मेकअप भी हो रहा है मैम का। चलो मैंने अपने लंच ब्रेक में गई थी खाने के लिए और हमारा जो सैलून है ना उसकी जस्ट बगल में सब कुछ मिलता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह, स्टेशन रोड पे मेन जगह पे है तो सारा कुछ खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा आइटम वहाँ पे मिल जाता है, तो इसलिए हमने सोचा चलो भोपाल चलते खाने के लिए। और ना मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है तो मैं अभी मतलब कि रमज़ान से पहले मैं सोच रही थी अपना मनपसंद का थोड़ा हेल्दी या जैसा भी खाना मैं खा सकूँ ताकि मेरा मूड तो सही हो जाए और तबीयत ख़राब में ज़्यादा तो खिलता नहीं है खाना, तो जो भी मैं खा सकूँ उसको खा के थोड़ी एनर्जी रहे ताकि मैं रमज़ान में अच्छे से पूरे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह रख सकूँ, तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास ना पार्सल्स रिसीव हुए थे सो मैंने उसको ओपन किया और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के ओपन कर रही हूँ, तो चलो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से दिखा देती हूँ क्या क्या मुझे रिसीव हुआ था। यहाँ पे ना ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे रिसीव हुआ है प्योर सेंस की तरफ से और यहाँ पे इनके दो प्रोडक्ट हैं, एक तो इनका स्क्रब है और एक इनका क्लींजिंग बाम टाइप का है, लाइक क्लींजिंग क्लींजर है उसमें स्क्रब एंड मास्क, ये तीनों चीज़ें हैं। देन उसके बाद दिस इज़ माई फेवरेट और इसको मैंने अभी के लिए मंगाया है, दिस इज़ बाय क्लोविया और ये है नाइट सूट्स और मैंने इसलिए फुल स्लीव्स के नाइट सूट्स मंगाए बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, लाइक अच्छा मौसम है तो हम फुल स्लीव्स के भी पहन सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं मंगाए हैं, इसका साइज़ भी काफ़ी इनफ है, तो अगर आप चाहो तो मतलब कि रमज़ान के टाइम में भी इजीली आई कैन कैरी दिस आउट और बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रीदेबल भी है तो इसलिए यहाँ पे मैंने दो मंगाया, एक तो ये है और दूसरा ब्लू इन कलर में है, तो वो आपको मैं ऐसे ही ऊपर से दिखा देती हूँ, ये है। और ना इसके बाद फिर मैंने और खाया या और ना आप मेरा ये ब्लॉग प्लीज़ मतलब कि रोज़े में मत देखना, अगर आप देख भी रहे हो तो स्किप कर दो इसको थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद मैंने अपने फेवरेट छोले भटूरे एंड राइस खाए, फिर उसके बाद हम लोगों ने चांद देखा और फिर मैंने दुआ मांगी, उसके बाद फिर पूरी प्रिपरेशन करी सहरी की और फिर अब सहरी का ब्लॉग दिखाती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, पहली सहरी मुबारक और मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले चांद रात भी दिखाई थी और फिर तब अपने सैलून में देखा था, उसके बाद फिर मैं घर आके सो गई थी बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार भी चढ़ा हुआ था, तो अब हम लोग उठ गए और अब मैं अपनी पहली सहरी करने जा रही हूँ। चलो और मैं दिखाती हूँ क्या खा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है और मैं आज अपनी फेवरेट खा रही हूँ सेवैया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ना ज़्यादातर रमज़ान में सहरी में सेवैया ही खाती हूँ बिकॉज वो हेल्दी भी होता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं फटाफट अपना ये सेवैया को ख़त्म करूँगी और पूरा खा लेंगे हम इसको और फिर ढेर सारा पानी पी लेंगे। और ये मम्मा अपने लिए मम्मा ने दूध और दलिया बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। मैं अपना फटाफट ये जो सहरी अपनी कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद हम अच्छे से ब्रश करेंगे बिकॉज कोई भी रेसिपी हुए खाने का जो रहना चाहे मुँह में
और फिर उसके बाद हम वजू करके नमाज पढ़ेंगे। सो चलो अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ पूरा ख़त्म करने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है मेरी और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ अपने ऑफिस जाने में। सो अभी भी मैं नहा के अच्छे से गोसल करके आई हूँ। अब मैं थोड़ा सा हेयर ड्रायर लगाऊंगी, थोड़े से हेयर मैनेजेबल हो जाए, फिर उसके बाद बस हम जाएंगे। कुछ मेकअप वेकअप अप करना तो है नहीं। सो चलो मैं दिखाती हूँ कैसे हम पूरा दिन क्या क्या करते हैं। और ये मेरा पहला रमज़ान है उरई में, हमारे नए घर में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ मेरी मतलब कि फ़र्स्ट जॉब में भी मेरा पहला रमज़ान है, तो उसके लिए बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया। सो देखते हैं कैसे हम पहला रोज़ा करते हैं अपना पूरा। सो अब मैं अच्छे से पहले अपने हेयर ड्राई कर रही हूँ, बिकॉज पहले टॉवल ड्राई करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहले टॉवल ड्राई कर लो देन आप ड्रायर से ड्राई करो तो ज़्यादा सही रहता है। मैंने 100% ड्राई नहीं किया था, हल्का से ड्राई किया था, बिकॉज मैं हाल ही हाल नहा के आई थी तो एकदम ही बहुत ही पानी बह रहा था, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। और उसके बाद फिर मुझे जाना है ऑफिस। और बहुत अच्छी बात ये है कि मेरे ऑफिस में भी ना सब लोग रोज़े से थे, लाइक रुबीना मैम, समीर सर, और मतलब कि ज़्यादातर स्टाफ, 90% स्टाफ हमारा मुस्लिम है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोऑपरेटिव लगता है। और फिर वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इफ्तार किया था। आप पूरा ब्लॉग देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कैसे क्या किया था। और मतलब कि मैंने अपना रोज़ा भी अपने ऑफिस में ही खोला था, हम लोग ने इफ्तार भी साथ में किया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने अपने हेयर को थोड़ा सा ड्राई कर लिया और फिर इसके बाद मैंने अपना कोट पहन लिया और फिर चलो हम चलते हैं। और फिर ना उसके बाद क्या हुआ मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा ही सा बनाया था, ज़्यादा तो बनाया नहीं। यहाँ पे हम अपने ऑफिस जा रहे हैं और फिर और ना उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम था, जैसे ही मैं सुबह पहुँची क्लाइंट्स आए हुए थे। तो चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा रोज़ा कैसा गया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है। और एक तो इसलिए भी क्योंकि अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बस लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो थी। बट सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, सब लोग बहुत सपोर्टिव है मेरे ऑफिस में भी और ऑब्वियसली फैमिली में भी, तो कोई ज़्यादा ऐसी खास दिक्कत हुई नहीं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ना अपने ऑफिस में ये पकौड़े बनाए और फिर हम लोग ने सारे फ्रूट्स मंगाए, हमने पनीर उत्पम मंगाया और भी बहुत सारी चीज़ें, सारा कुछ ऑफिस में किया। और फिर हम सब ने इफ्तार किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम लोगों ने शरबत भी बनाया था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने शरबत तो नहीं पिया। और फिर हम लोगों ने अपना रोज़ा खोला, नमाज अदा करी और फिर मैं उसके बाद अपने घर आ गई। और घर आने के बाद भी मैंने थोड़ा और खाया और फिर आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ कमेंट डाउन मिलो आपको कैसा लगा। और फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो, उसका नाम है दैट मिस अलीशू। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।